नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ऋतु तोमर और आप सब देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। और सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी सफूरा जरगर को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 15,000 मामले दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे कोरोना संक्रमित। और कानपुर के शेल्टर होम में कोरोना संक्रमण मामले में यूपी सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। इस साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जामिया मिलिया की छात्रा सफूरा जरगर को मंगलवार को आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सफूरा जरगर को जमानत दी है, जिसमें से पहली शर्त ये है कि सफूरा अपनी जमानत अवधि के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे इस मामले की जाँच पर असर पड़े। इसके साथ ही दूसरी शर्त ये लगाई गई है कि वो बिना अदालत को इत्तला किए दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमानत अवधि के दौरान सफूरा जरगर दिल्ली से बाहर ना जाने पाए। इस मामले में सफूरा की पैरवी कर रही उनकी जो वकील हैं नित्या रामाकृष्णन, उन्होंने कहा था कि सफूरा जो है वो अक्सर फरीदाबाद में अपनी डॉक्टर से चेकअप के लिए मिलने जाती रहती हैं। आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने जो शर्त लगाई है सफूरा जरगर की जमानत को लेकर, उसमें से एक ये भी है कि सफूरा जरगर को ये बोला गया है कि कम से कम 15 दिनों में एक बार वो इस मामले की जांच कर रहे जो आईयू हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उनसे फ़ोन पर संपर्क में बनी रहें। और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये की जमानत राशि और 10,000 रुपये के ही निजी मुचलके पर सफूरा जरगर को जमानत दे दी। आपको ये भी बता दें कि सफूरा जरगर जो है वो 23 हफ्ते की गर्भवती हैं। इससे पहले मामले के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी और स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने दरअसल सफूरा जरगर की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया था कि बीते 10 सालों में दिल्ली की अलग अलग जेलों में 39 महिला कैदियों ने बच्चों को जन्म दिया है। तो इस तरीके से सिर्फ गर्भवती होना जो है वो जमानत का अधिकार नहीं हो सकता है। और ये भी साथ में दिल्ली पुलिस ने कहा कि गर्भवती होने से जो अपराध की गंभीरता है वो कम नहीं हो सकती। और ये कहकर दिल्ली पुलिस ने सफूरा जरगर की जो जमानत है, याचिका है, उसका विरोध किया था, लेकिन आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर सफूरा जरगर को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सफूरा जरगर को दिल्ली हिंसा मामले में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो अब तक इससे पहले 3 बार और जमानत याचिका दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती रही और ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर उन्हें सशर्त जमानत दे दी। और अगली खबर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,993 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 4,40,000 से ज़्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से 311 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल मृतकों की जो संख्या है देश में वो बढ़कर 14,011 हो गई है। हालांकि देश में कोरोना वायरस से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र जो है वो देश में सर्वाधिक संक्रमित राज्य है और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 1,36,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का नंबर है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 90 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि जो मृतकों की संख्या है दुनिया भर में वो 4,72,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ही कोरोना वायरस से 23 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और यहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 1,22,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में अब तक कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ पर कोरोना वायरस से अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके बाद रशिया में 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। UK की बात करें तो UK में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 41,000 का आंकड़ा पार कर गई है। स्पेन की बात करें तो स्पेन के जो मामले हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है और वहाँ पर मृतकों की संख्या 28,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। इसी तरह इटली में अब तक कोरोना वायरस से 34,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इस महामारी का असर मतदान पर ना पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए यानी डाक मतपत्रों के जरिए मतदान को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कोरोना संक्रमित और प्रभावितों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है और इस नई श्रेणी के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान करने के यानी पोस्टल बैलेट के जरिए
मतदान करने की छूट मिलेगी जो या तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या फिर सरकार द्वारा COVID-19 मान्यता प्राप्त केंद्रों से ही, अस्पतालों से ही जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही होम क्वारंटीन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए लोगों को भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की छूट मिलेगी। यहीं पर जब चंद्रा से पूछा गया कि पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किस तरीके से पालन किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि अब एक पोलिंग बूथ पर 16,000 के बजाय सिर्फ 1,000 मतदाताओं को ही मतदान करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए अब हमें अतिरिक्त 30,000 और पोलिंग बूथ चाहिए होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा बिहार का जो कार्यकाल है वो दरअसल 29 मई को समाप्त हो रहा है। बिहार में कोरोना वायरस के अब तक 7,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक बिहार में कोरोना वायरस से 52 लोगों की मौत हुई है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के बालिका आश्रय गृह यानी शेल्टर होम में कोरोना संक्रमित पाई गई 57 नाबालिग लड़कियों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किए हैं। ये जो 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई थी, इसमें से 5 गर्भवती हैं और जबकि 1 HIV पॉजिटिव है। इससे पहले कल जिला प्रशासन ने इनकी गर्भावस्था को लेकर सफाई दी थी कि दरअसल ये लड़कियां शेल्टर होम आने से पहले से ही गर्भवती थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर NHRC ने कहा कि दरअसल उन्होंने मीडिया में आई खबरों के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मीडिया में आई जो खबरें हैं अगर वो सच है तो प्रथम दृष्टया ये विश्वास करने लायक बनता है कि प्रशासन द्वारा पीड़िताओं को किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और साफ तौर पर ये राज्य के संरक्षण में उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनके सम्मान के अधिकार की रक्षा में लापरवाही का मामला है। आपको बता दें कि NHRC ने इस मामले में दर्ज FIR और अब तक की गई जो जाँच है उसको लेकर UP के DGP को भी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दो वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।